रायपुर डीआरएम ऑफिस के पीछे रेलवे लाइन में एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में गुढ़ियारी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जांच में मृतक को चाकू मारकर हत्या करना बताया गया था। वहीं इस मामले में पकड़े गए आरोपियों में जित्तू महानंद और दौलत निर्मलकर के साथ 2 नाबालिग शामिल हैं। दरअसल पूरा मामला मोबाइल फोन को लेकर है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोबाइल फोन को लेकर 2 लोगों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद जित्तू महानंद और दौलत निर्मलकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मृतक विशेष सेंद्रे को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। क्षेत्र में दिनांक 21 मई को विशेष सेंद्रे नामक नवयुवक की ट्रेन की पटरी के पास छत शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान खंतराई निवासी विशेष सेंद्रे के रूप में हुई थी, जिसका शव परीक्षण कराया गया, जिसपे की शव परीक्षण और शव पंचनामा कार्रवाई के दौरान ज्ञात हुआ था कि उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान, धारदार हथियार से चोट पहुंचाने के निशान थे, जिसपे लगातार जो है हत्या का मामला पाए जाने पर हमारी क्राइम की टीम और हमारी थाने की टीम जो है लगातार आरोपियों की पतासाजी के लिए प्रयासरत थी, जिसपे तकनीकी साक्ष्य, CCTV फुटेज और रिश्तेदारों और परिजनों के कथन के आधार पर मालूम हुआ था कि किसी एक व्यक्ति है जो कि इसमें आरोपी है, जिसके साथ वो आखिरी बार घूमता देखा गया था। इसको लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अन्य साथियों के नाम बताए गए, जिसमें 2 युवक है, जीतू महानंद और दौलत निर्मलकर, और 2 विधि द्वारा संघर्षरत बालक हैं जो इस पूरे प्रकरण में जिनके द्वारा षड्यंत्र रचा गया उसकी हत्या करने का। इसमें मूलतः एक मोबाइल है, मोबाइल के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था मृतक के साथ, जिसको लेकर उसकी इन्होंने द्वारा उन्हें बहला फुसला कर बुलाया गया और बाद में उसकी हत्या कर उसे एक दुर्घटना का रूप देने के लिए ट्रेन की पटरी में डाला गया। प्रकरण में जो है तीनों ही 4 आरोपियों को, जिसमें 2 बालिका है और 2 विधि द्वारा संघर्षरत बालक है, इन्हें हत्या में आरोपी पाते हुए इन्हें हिरासत में लिया गया है। इनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।